अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को एग्जामिनेशन पॉइंट से देखा जाए तो बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ना हमने वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल का एक और नाम है वोल्टिक सेल, ये भी याद रखिएगा। गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं इसको, वोल्टिक सेल भी कहते हैं, वोल्टिक सेल का भी नाम देते हैं। इसे प्रीवियस लेक्चर्स में ना हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन की थी, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, वर्किंग, रिएक्शन वगैरह देखे थे। सेम काम यहाँ पे, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, वर्किंग, रिएक्शन, और इसमें एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, वो साल्ट ब्रिज का क्या काम है, साल्ट ब्रिज का क्या काम, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ आएगी हमारे पास। तो प्रीवियस लेक्चर में बात की जाए तो हमने कहा था जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हैं, एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक है गैल्वेनिक सेल। तो ये हमारे पास है जी गैल्वेनिक सेल। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की किस्म है, इन विच जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अक्कर, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अक्कर, रिएक्शंस अक्कर एंड प्रोड्यूस, खुद ब खुद कोई केमिकल रिएक्शन होता है और पैदा होती है एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और यहां से करंट पैदा हो रहा है। इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। आप कहें जी केमिकल रिएक्शन होगा उसके नतीजे में करंट पैदा होगा, हमारी नॉर्मल जिंदगी में कोई ऐसे एग्जाम्पल है? हमारी नॉर्मल जिंदगी में इस तरह की काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर रिएक्शन होता है, रिएक्शन के नतीजे में करंट पैदा होता है। मसलन मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं लिथियम आयन बैटरी है, उसके अंदर सेम काम हो रहा है। केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में करंट बनता है। सेल ये क्लॉक वगैरह के अंदर सेल डाले जाते हैं, उसके अंदर सेम काम हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होता है उसके नतीजे में करंट बन रहा है, सही है। ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में करंट बनता है, सही है। तो ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल में आएगा डैनियल सेल, एग्जांपल में हम यहां पर लिखेंगे डैनियल सेल, इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड देन वर्किंग। देखिए मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये किस तरह मुश्तमिल होता है, तो इसमें ना हमने दो बीकर लिए होते हैं, क्या लिए होते हैं जी, दो बीकर होते हैं, एक बीकर ये आ गया और एक बीकर ये आ गया। ये दो बीकर लेके एक बीकर के अंदर ना मैंने सॉल्यूशन डालना है जिंक सल्फेट का, वन मोलर सॉल्यूशन, क्या जी इसमें मैंने डाल दिया वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। मतलब जिंक सल्फेट एक साल्ट है वाइट कलर का, पानी में डालना है, यहाँ पर डाल देना, सही, वन मोलर सॉल्यूशन उसका। इस साइड पे मैंने वन मोलर सॉल्यूशन डाला है कॉपर सल्फेट का, किसका डाला है, कॉपर वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का वन मोलर सॉल्यूशन डाला है। पर जिस साइड पे मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है ना, इस साइड पे आपने एक मेटल की पतली लेनी है जो जिंक की बनी होती है, किसकी बनी होगी, जिंक की। अच्छा आपने जिंक मेटल देखी, ये जो 5-10 रुपए वाला सेल मिलता है जो क्लॉक के अंदर डालते हैं, उसकी बाहर वाली जो बॉडी होती है वो जिंक की बनी होती है, याद रखिए वो बाहर वाली जो बॉडी है वो जिंक की है। और इस साइड पे मैंने
कॉपर तांबे की पत्री लेके ना एक इसके सॉल्यूशन के अंदर डुबो देना। इन दोनों को बाहर मैंने वोल्ट मीटर की मदद से, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर आपको मतलब पता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, किसी जगह करंट पैदा हुआ या नहीं हुआ इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको जोड़ते हैं दोनों पत्रियों से, ये वाली पत्री हमारे पास होगी जिंक की, किसकी, और ये वाली पत्री होगी मेरी कॉपर तांबे की होगी। अब इन दोनों हाफ सेल को मैंने जोड़ना है साल्ट ब्रिज के साथ। साल्ट ब्रिज बेसिकली यू शेप ट्यूब होती है ये इस तरह की। अब साल्ट ब्रिज होती किस तरह की है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसको बनाते कैसे, इसको साल्ट ब्रिज कहते क्यों हैं, ये सारी की सारी चीज़ों का आंसर लेंगे। ये हमारे पास साल्ट ब्रिज ले जी, ये थी जी हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन। और इसमें ना एक और बात याद रखिएगा, इसमें दो बीकर लिए हुए हैं, दोनों बीकरों को दरमियान में साल्ट ब्रिज से जोड़ा हुआ है। इतने को हम कहते हैं हाफ सेल, क्या कहते हैं, आधा सेल, और इतने को भी क्या कहेंगे, हाफ सेल। हाफ सेल हाफ सेल मिलके क्या बना देगा, पूरा कंप्लीट सेल। तो पहले नंबर पे आपने ये याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल इज कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। पहले नंबर पे क्या याद रखेंगे, गैल्वेनिक सेल इज कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। एक हाफ सेल में क्या चीज, इन वन हाफ सेल जिंक मेटल या जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप इन वन मोल सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इन वन हाफ सेल। एक हाफ सेल में जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, जिंक इलेक्ट्रोड को डुबोया होता है इन वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और इन सेकेंड हाफ सेल कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप इन वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन सेकेंड हाफ सेल कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बाहर तार के जरिए से जोड़ के वोल्ट मीटर से जोड़ा हुआ है। बोथ द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द वोल्ट मीटर बाय एक्सटर्नल वायर बाय यूजिंग वायर। चलिए इस तरह कर, बाय यूजिंग वायर, वायर का इस्तेमाल करके दोनों हाफ सेल सॉरी दोनों इलेक्ट्रोड को हमने वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा हुआ है, और दोनों हाफ सेल को आपस में जोड़ने के लिए साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया। अ यू शेप साल्ट ब्रिज इज यूज्ड, अ यू शेप साल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट, इज यूज्ड टू कनेक्ट बोथ द हाफ सेल्स। दोनों हाफ सेल्स को जोड़ने के लिए हमने यू शेप साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, यू शेप साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल कर रखा। यह था जी हमारे पास कंस्ट्रक्शन, जिसमें हर एक चीज़ बताई है। ये दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। एक हाफ सेल में जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के वन मोल सॉल्यूशन में डुबाया हुआ है, दूसरे हाफ सेल में कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया हुआ है, दूसरे हाफ सेल में।
और दोनों इलेक्ट्रोड को बाहर जोड़ा हुआ है वोल्टमीटर के साथ तार के जरिए से, और दोनों हाफ सेल को, यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ा है वोल्टमीटर से और दोनों हाफ सेल को जोड़ा हुआ है साल्ट ब्रिज के जरिए से। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ रही होती है वर्किंग। नेक्स्ट क्या चीज़ आएगी हमारे पास, वर्किंग। वर्किंग में याद रखिएगा भाई, यहाँ पे दो मैटर है, एक जिंक है एक कॉपर है। कॉपर की ये सलाहियत ज़्यादा होती है कि सॉरी जिंक की सलाहियत, आपने एक चीज़ पढ़ी कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जिंक और कॉपर में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत जिंक की, किसकी है, जिंक की। सो यहाँ पे जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ये वाला जो जिंक बना हुआ ना, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और साथ बनाएगा Zn प्लस टू और साथ में दो इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और बनाने वाली चीज़ कौन सी है, जिंक मेटल। मतलब यहाँ पे ना सिंपल सी बात याद रखिएगा, जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा है, बना रहा है, या जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस जनरेट, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं उस जगह पे चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, उस जगह पे चार्ज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा अब यहाँ पे चेक करो, जिंक ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को निकाला है, और मैंने आपको एक और बात बता रखी है कि एनोड और कैथोड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं देते, एनोड और कैथोड नाम दे रहे होते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से एनोड और कैथोड का नाम दे रहे होते हैं। ये सिंपल सी बात आपने ज़हन में रखिएगा, एनोड और कैथोड हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बुनियाद पर देते हैं, ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा अब यहाँ पे देखो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होती है, एनोड पर। अब यहाँ पर चक्कर, एनोड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज की वजह से एनोड नहीं कहा हमने, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, डेट्स वाई इट इज एक्ट एज अ एनोड। और इस साइड वाला, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड की तरफ मूव करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से किसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव की तरफ, तो ये वाला इलेक्ट्रोड हमारे पास पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे जो कॉपर, क्योंकि ये सोल्यूशन है ना कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट यहाँ पे आयन, ये जब आयोनाइज होता है ना कॉपर सल्फेट, तो Cu प्लस टू और साथ में सल्फेट आयन बनाता है माइनस टू, और ये वाला Cu प्लस टू आयन इसके अंदर फिर रहे होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं, और ये वाला कॉपर सल्फेट आयन जो होता है ना इसके ऊपर आके जमना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चार्ज आके नेगेटिव, ये इसके ऊपर जाके जमना शुरू हो जाएगी, सही है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाए, कॉपर, ये जो कॉपर आयन है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से निकले हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और यहाँ पर कॉपर मेटल बन जाती है। एक और आपको मजे की बात बताऊँ, यहाँ से ये जो जिंक मेटल है ना, ये जिंक मेटल किस में कन्वर्ट हो रही है, Zn प्लस टू में, वो Zn प्लस टू में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन के अंदर जाती रहती है, और ऐसा ऐसा ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होना शुरू हो जाएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, पतला। और ये वाला इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ से जो कॉपर, ये सॉल्यूशन के अंदर भी कॉपर आयन मौजूद है ना, वो कॉपर ऐसे ऐसे इसके ऊपर आके चमकना शुरू हो गए, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोड ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगा, भारी होना शुरू हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से ऐसा ऐसा जिंक मेटल उतरती जा रही है, यहाँ पर कॉपर आके जुड़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर मेटल में बदल जाते हैं। अच्छा अब ना यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होती है, कैथोड में। मतलब यहाँ पे कॉपर वाला इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पर काम कर रहा है और जिंक वाला इलेक्ट्रोड एज अ एनोड काम कर रहा है, ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब ये बातें जो मैंने सारी की सारी कही हैं, इन सबको यहाँ पे लिखने लगे हैं। When both the electrodes are connected to each other, then current is produced due to
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट पैदा होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से यहाँ पे करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात चेक करना, ये जिंक है, ये कॉपर है। जिंक हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Zn प्लस टू आयन। जिंक मेटल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू के मुकाबले में एज कंपेयर टू कॉपर मेटल। जिंक मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Zn प्लस टू आयन। जिंक मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालती है और Zn प्लस टू आयन बना देती है, और कॉपर मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लेगी और कॉपर बन जाएगा। कॉपर मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, सॉरी कॉपर मेटल नहीं आएगा, कॉपर आयन Cu प्लस टू आयन गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर मेटल। ये कॉपर मेटल बना देंगे, सही है। अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रॉन किस साइड से किस साइड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं, ये सिंपल सी बात याद रखो। अब इसके बाद हमारे पास एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आ गई, एक छोटी सी बात और करंट पैदा होता है। एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे करंट पैदा हो रहा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है, रिएक्शन क्या होते हैं यहाँ पे। पहले बात करेंगे रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, फिर बात करेंगे रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड में क्या रिएक्शन होगा, और लास्ट में हम बात करेंगे ओवरऑल रिएक्शन। और रिएक्शन क्या होगा भाई, रिएक्शन एट एनोड की बात की जाए तो एनोड यहाँ पे कौन सी चीज़ काम कर रही है, ये वाली चीज़, ये वाला रिएक्शन एनोड पे होगा। क्या होगा, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस टू आयन एंड टू इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में ये वाला हिस्सा हमारे पास कॉपर कैथोड के तौर पर काम कर रही है, यहाँ पर ये वाला रिएक्शन होता है। कॉपर आयन विल गेट्स टू इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर मेटल। और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को काटो इसके इलेक्ट्रॉन, इसके हमने बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन पढ़ी है, उसमें हमने ऐड करना सीखा हुआ है। अगर कोई चीज़ रिएक्टर प्रोडक्ट वाली साइड पे सेम होती है तो उसको आप काट सकते हो, तो आप यहाँ पे काटोगे, काटने के बाद हमारे पास बन जाएगा Zn प्लस सी यू प्लस टू सी यू प्लस Zn प्लस टू, ये ओवरऑल रिएक्शन होगा। अब इसके बाद ना हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन भी है, मतलब इस सेल को ना जाहिर भी करते हैं, एक छोटी सी फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन। जाहिर करने के लिए हम पता क्या करते हैं, Zn ये कन्वर्टर Zn प्लस टू में और जा रहा है वन मोलर सॉल्यूशन में, और इसके बाद सी यू प्लस टू वन मोलर सॉल्यूशन से कन्वर्ट हो रहा है सी यू में। क्या मतलब है, देखो ये वाला हाफ सेल है ना,
इसमें जिंक मेटल कन्वर्ट हो रही है Zn प्लस टू में, और किस में जा रही है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन है 1 मोलर, तो जिंक मेटल इज कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस वो 1 मोलर सॉल्यूशन है। और दरमियान वाला जो दो लाइनें ये बेसिकली जाहिर कर रही होती है किसको, साल्ट ब्रिज को। और इसमें क्या हो रहा है जी, कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर, कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर, और जो कॉपर कन्वर्ट हो रहा है प्लस टू ये बेसिकली सॉल्यूशन फॉर्म में मौजूद है, जो सॉल्यूशन उसके साथ 1 मोलर लिखा हुआ है, सही है। और नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। और ये वाला टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, पास्ट पेपर में काफी दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। 3 या 4 लाइनें, पहले नंबर पे साल्ट ब्रिज को साल्ट ब्रिज कहते हैं क्यों है, साल्ट ब्रिज तैयार कैसे करते हैं, तो सुनिएगा भाई। साल्ट ब्रिज ना हमारे पास बेसिकली एक यू शेप, क्या हमारे पास यू शेप ग्लास ट्यूब है, यह ग्लास की बनी होती है। आपने ना एक चीज़ पढ़ी होगी जेलेटिन, क्या पढ़ा आपने, जेलेटिन। जेलेटिन कहाँ से आता है, जब हड्डियों को गर्म करते हैं ना उससे ये मादा निकलता है, इसको हम आम जमाने में मिख कहते हैं, ये बड़ी हड्डियों के अंदर जिस तरह करके निकालते हैं, ये वो वाला है, ये केमिस्ट्री की जुबान में जेलेटिन कहते हैं, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, सही है। जेलेटिन जब हड्डियों को गर्म करते हैं तो वहाँ से जेलेटिन निकलता है, और इसको केक बेकरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, सोर्सेज एंड यूज ऑफ प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर, सही है। तो ये जेलेटिन है, आपने लेना है जेलेटिन, ये एक बाउल लिया मैंने, इसमें जेलेटिन निकाल कर रख लिया। आपने जेलेटिन लेके इसमें ना एक साल्ट डालना है, और वो साल्ट कौन सा, KCl पोटाशियम क्लोराइड साल्ट डाल, क्योंकि आपको पता जेलेटिन जेली लाइक होता है, सही, इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर भर देना है इसको, इसको अच्छे तरीके से आपने क्या कर देना है, यहाँ पे भर देना है, और दोनों कोने से बाहर ना निकले, आपने यहाँ पे रुई लगा देनी है, और ये है जी साल्ट ब्रिज, सही है। तो देखो इसमें पोटाशियम क्लोराइड हम साल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, या आधा नाम आया सही यहाँ से, आधा नाम इसका यहाँ से है। और ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज आपने लफ्ज़ सुना हुआ है BRIDGE, ब्रिज कहते हैं पुल को, किसको कहते हैं पुल को, काम पुल का काम अगर देखे तो क्या होता है जी, नहर का पुल है, दरिया का पुल है, वो एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ रहा होता है। तो साल्ट ब्रिज क्या कर रही है यहाँ पे, दो हाफ सेल को आपस में जोड़ रही है। पहला काम साल्ट ब्रिज का यही है, इट कनेक्ट टू हाफ सेल्स इन अ गैल्वेनिक सेल, पहला काम क्या जी, फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज, मेन फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। पहले नंबर में इट कनेक्ट टू हाफ सेल्स, ये दो हाफ सेल को जोड़ रहा होता है। इसके बाद देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, इस साइड पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा ज़्यादा, नेगेटिव, और इस साइड पे कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाते जा रहे हैं और यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड पर जाकर जमा ना हो, इससे बचाने के लिए हमने साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया। साल्ट ब्रिज क्या करते हैं, चार्ज इस साइड से उठा के साइड पर फेंकता रहता है, और साल्ट ब्रिज उतार दो ये आपका काम ही नहीं करेगा सेल, साल्ट ब्रिज की मदद से ये काम करता है। अगर उतारोगे ये एक सेकंड के लिए चलेगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पैदा होगा, सही है। एक वक्त आएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देंगे, क्योंकि जितने यहाँ से पैदा कर सकते वो कर देगा पैदा, और जितने इस साइड से ले सकता है वो ले लेगा, सही है। तो साल्ट ब्रिज का सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू हाफ सेल इन गैल्वेनिक सेल, साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी।
ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कायम कर रहा होता है बिटवीन टू हाफ सेल्स या इन टू हाफ सेल्स टू बिटवीन कर लो बिटवीन टू हाफ सेल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के दोनों हाफ सेल के दरमियान में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कायम करता है। लास्ट वाला बच्चे, अगर इन दोनों को आपस में कंप्लीट सेल बनाते हैं तो इन दोनों के सॉल्यूशन को आपस में मिलाना पड़ता, इससे करंट कभी भी ना पैदा होता। ये दोनों हाफ सेल के सॉल्यूशन को या इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट रखता है, उनमें यानी कि कनेक्शन भी पैदा कर रहा है और उनको सेपरेट भी रखा हुआ है। सही है। ये क्या है? नेक्स्ट एट, सेपरेट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स। ये दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशन को सेपरेट रख रहा होता है। सही है। तो ये चंद एक बातें आपने याद रखनी है। तो ये था कि हमारे पास गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल में जो भी चीज़ें आ सकती थी पॉसिबल, वो सारी की सारी हमने लिखी हैं। कम से कम ये साल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो ये लिख सकते हैं। साल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब इन विच जेलेटिन एंड पोटाशियम क्लोराइड साल्ट्स आर मिक्सड एंड फिल्ड एंड बोथ द एंड्स आर क्लोज या प्लग विद कॉटन प्लग या क्लोज विद कॉटन प्लग। आगे साल्ट ब्रिज के फंक्शन आ जाएंगे। कम से कम दो, पहले दो लाजमी याद रखिएगा। ये मेन फंक्शन ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कायम रखता है, इसके मेन नंबर होंगे आपके पास। सही। यह था जी हमारे पास गैल्वेनिक सेल और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ भी चुका है, तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।